कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 51 साल पुराने केस का जिक्र किया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। बॉम्बे के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में हुई इस घटना में जूनियर नर्स के साथ अस्पताल के ही एक कर्मचारी ने रेप किया और फिर उसे इस तरह टॉर्चर किया कि वो 42 सालों तक एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रही। उनके लिए इच्छा मृत्यु तक मांगी गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील ठुकरा दी थी। अस्पताल के बेसमेंट में अरुणा शानबाग के साथ क्या हुआ था और इस घटना को अंजाम देने वाला शख्स सिर्फ 7 साल में जेल से कैसे छूट गया, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवीनेट डिजिटल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोलकाता की जूनियर डॉक्टर केस की सुनवाई के दौरान शानबाग केस को याद करते हुए कहा, यह मामला अरुणा शानबाग केस की याद दिलाता है, वो केस जिसने 80 के दशक में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 25 साल की नर्स जो कर्नाटक से मरीजों की सेवा का सपना संजोए बॉम्बे आई थी। सपना पूरा होने पर अरुणा काफी खुश थी लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एक हादसे ने उनका सब कुछ छीन लिया। यह हादसा हुआ बॉम्बे के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में। अस्पताल के एक मंजिल में कुत्तों के लिए बनाई जाने वाली दवाओं का ट्रायल भी होता था। अरुणा शानबाग उस विभाग में काम करती थी। अस्पताल के इसी विभाग में सोहन लाल वाल्मीकि भी काम करता था। सोहन और अरुणा के बीच पहले कई बार नोकझोंक हो चुकी थी। दरअसल सोहन लाल पर आरोप था कि वो कुत्तों को दिए जाने वाले मीट की चोरी करता है। अरुणा ने इसकी शिकायत अस्पताल के अधिकारियों से भी की थी। इसी बात को लेकर वारदात से एक रोज पहले अरुणा और सोहन वाल्मीकि के बीच जोरदार बहस भी हुई थी। 27 नवंबर 1973 की रात अरुणा ड्यूटी के लिए अस्पताल के बेसमेंट में कपड़े बदलने के लिए गई। वहां पहले से मौजूद सोहन लाल वाल्मीकि ने बदनीयती से उन्हें दबोच लिया, अरुणा के गले में कुत्ते को बांधने वाली जंजीर कस दी। सोहन लाल ने अरुणा के साथ रेप किया। गले में जंजीर कसे होने की वजह से अरुणा के दिमाग में जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी। वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। सोहन लाल अरुणा को मरा हुआ समझकर मौके से भाग निकला। अगली सुबह एक सफाई कर्मचारी को अस्पताल के बेसमेंट में अरुणा बेसुध हालत में मिली। उसने अस्पताल प्रशासन को इसकी सूचना दी। किंग एडवर्ड हॉस्पिटल में इनका इलाज हुआ लेकिन अरुणा शानबाग कोमा में चली गई। सोहनलाल के हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी को भी काफी नुकसान पहुंचा था। सोहनलाल पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा चला लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से उस पर रेप का आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन हत्या की कोशिश और चोरी के जुर्म में उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद सोहनलाल आजाद घूमता रहा लेकिन जिंदा दिली से भरी 25 साल की वो नर्स एक जिंदा लाश में तब्दील हो गई। किंग एडवर्ड हॉस्पिटल का वार्ड नंबर 4 इस बात का गवाह है, उन पलों का जब किसी आदमी की आवाज कानों में पड़ते ही अरुणा चौंक उठती। घबराहट में वो शोर करती लेकिन अस्पताल की नर्स उन्हें प्यार से थपकी देकर शांत करा देती। तकरीबन 42 सालों तक अस्पताल का वार्ड नंबर 4 ही उनका घर और स्टाफ परिवार की तरह सेवा करता रहा। इस दौरान अरुणा का परिवार भी धीरे धीरे उन्हें भूलता गया, यहाँ तक कि उस शख्स ने भी अरुणा से दूरी बना ली जिससे अरुणा की शादी होने वाली थी। साल 2011 में जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पिंकी विरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने अरुणा शानबाग के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की लेकिन कोर्ट ने पिंकी विरानी की अपील ये कहते हुए खारिज कर दी कि पिंकी विरानी ना तो अरुणा के रिश्तेदार हैं और ना ही उनकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाती हैं। KEM अस्पताल की नर्सों ने पिछले 4 दशकों से अरुणा शानबाग की जी जान से सेवा की और उनका ख्याल भी रखा। इतने लंबे वक्त तक बेड में होने के बावजूद अरुणा के शरीर में कोई घाव तक नहीं है, इसलिए इच्छा मृत्यु की अपील ठुकराई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किंग एडवर्ड हॉस्पिटल का स्टाफ खुशी से झूम उठा था। 42 साल कोमा में रहने के बाद 18 मई 2015 को अरुणा शानबाग ने अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में आखिरी सांस ली। अस्पताल के कर्मचारियों ने ही अरुणा शानबाग का अंतिम संस्कार किया। अरुणा शानबाग को गए हुए 9 साल बीत चुके हैं लेकिन 8 और 9 अगस्त की रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस घटना ने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया है। बहरहाल जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जारी है। देखना है सरकार ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाती है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।